एवरीवन, नमस्ते, राम राम। कैसे आप सब लोग? जैसे आपको पता है, मैं बनाती हूँ वेस्ट यूपी की वीडियोस और आपको हर चीजें वो पॉसिबल जो हो पाती है, अलग सी जो होती है ना, वो दिखाती हूँ। तो आज जो है मैं कांधले में हूँ, बहुत ही बेहतरीन लगी मुझे, क्योंकि आपने नर्सरी बहुत सारी देखी होगी, लेकिन नर्सरी में देखे होंगे कि भाई फैंसी पेड़ पौधे मिल रहे हैं, घरों में इंडोर पौधे मिल रहे हैं। आपको यहाँ पे पता है क्या मिलेगा? फ्रूट्स के पौधे मिलेंगे, और वो भी फ्रूट्स मिलेंगे यहाँ पे जो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ पहाड़ों में हो सकता है या हमारे इधर यूपी में नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ हर तरीके के वो पौधे हैं जो। तो मैं जो है अब बात करूंगी यहाँ के जो ओनर है उनसे भी, इन्होंने इतनी सारी वैरायटी रखी हुई है, क्या वैरायटी है। मैंने जैसे सुना था, मैं पहले आप अंदर विजिट करके आई हूँ, कि लीची के पेड़ जो है यहाँ पे होते नहीं, और उसके नहीं होते, सेब के नहीं होते, इनके पास सब है। और वो ये भी बताएंगे कि वो कैसे हो सकते हैं, कैसे हो जाते हैं प्लेन में। तो चलिए करते हैं बात। अभी यहाँ पे मेरे साथ है, आपका नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम विनीत शर्मा है। विनीत शर्मा जी। तो आप यहाँ के ओनर? जी बिल्कुल। अच्छा, ये कितना आपकी टाइम हो नर्सरी गया है? आपको? मुझे करीबन इस महकमे में बड़े हुए तो सर 20 से 25 साल हो गए। अच्छा। और अपनी खुद की नर्सरी को 10 से 15 साल हो गए दस से तैयार पंद्रह की। साल जी अच्छा। तो ये पीछे जैसे आपने पेड़ हैं, फ्रूट्स के पेड़ मैंने सुना है बहुत ज्यादा आपके पास है। हम लोग यहाँ से निकलते रहते हैं जी तो जी हमने जी देखा आपके पास हर फ्रूट्स के ही है, मतलब जी ज्यादातर। जी जी ऑल इंडिया फ्रूट है मेरे पास सारा, अच्छा अच्छा और अच्छा कुछ बाहर की कंट्री का भी फ्रूट है अच्छा मेरे ये किस पास। चीज का है जैसे? ये जैसे किन्नू का है, ये गंगानगर वाला किन्नू है, हमने खुद अपने यहाँ जर्नेट किया हुआ है। अच्छा, मैं इसे ये वैसे देखो। नींबू का सोच रही थी। नहीं नहीं तो नहीं किन्नू यहाँ पे हो जाता है जैसे? जी मैम, बिल्कुल हो जाता है, पर थोड़ा फर्क ये रहता है कि क्लाइमेट का, जो क्लाइमेट में वहां पे तैयार होता है वो यहाँ नहीं हो पाता है, पर किन्नू हो जाता है हो जाता है 100%। और तो? ये जो हमने अपना खुद का जर्नेट किया है, तो हमने इसका टेस्टिंग पिछले साल लिया था, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था बड़े इसका। वैसे पूरे पक जी मतलब जी तैयार जी हो जाते जी हैं बिल्कुल, इसमें ऑरेंज तो? कलर होगा, करीब 1 पाव से 300 ग्राम तक का ये फल हो जाएगा। तो जैसे कोई आएगा लेगा, उसको आप ये बता देंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आपको डालनी चाहिए, ये सब चीजें जी आप वो बता हमारा देंगे? पूरा 1 साल का टेंडर होता है किसान के साथ। अगर कोई हमसे एक पौधा ले जाओ या पूरा बाग लगवा लो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरे 1 साल तक का हम उसे विजिट में रहेंगे, टच में रहेंगे, सब कुछ बताएंगे, समय समय पे पौधे पे क्या खाद क्या दवाई क्या 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 लगना है, वो अच्छा। सारी चीज हम बताते रहते हैं साल भर वो के इधर ये अंदर। क्या है, ये खड़े हैं इधर? ये सर लोकाट के पेड़ हैं ये मैडम लोकाट? लोकाट जी भी मतलब आप यहाँ पे खेतों में लगा ले, कोई घर में तो बिल्कुल, नहीं लगता हमारे होगा लोकाट? हमारे उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट में लोकाट बहुत अच्छी तरीके से चला हुआ है, और अच्छा ये अभी का हमने अपना खुद का जनरेट किया हुआ है। ये देखो, जैसे हमने इस पे कलम बांध दी है, तो ये एक विश्वसनीय वैरायटी हमारे पास तैयार है, बिल्कुल रेडी। तो ये इसका नाम जो कलम जापानी आपने गोल्डन। बांधी है, मतलब इससे क्या, मतलब कुछ अलग चीज हो जाती है? मैम क्या होता है, नीचे का जो पौधा होता है वो देसी होता है, उससे हमें एक अच्छी किस्म लेने के लिए हाँ उसमें हमें जर्नेट करना पड़ता है दूसरी कलम ग्राफ्टेड, जो अच्छा। एक अच्छे पौधे की होती है। हाँ। इसमें हमने अपनी जापानी गोल्डन की ग्राफ्टिंग की हुई है, ये ग्राफ्टिंग का ये है, ये देखो, अच्छा अच्छा और ये एक अच्छा अच्छी नस्ल तैयार है। अच्छी नस्ल तैयार। तो जी इसको कहीं भी लगा सकते जी हैं, बिल्कुल, आप तो ये उत्तर कितना प्रदेश बड़ा में हो कहीं जाता भी। है? ये मैम इसकी लाइफ 30 से 35 साल है, और ये कम से कम 20-25 फुट तक का हो 20-25, जाता मतलब आप खेत है। में या जी घेर में भी लगा सकते हैं जी जैसे जी जिसके पास इसका स्पेस रेट है, जो है मार्केट में कम 100-125 रुपए किलो तक का बिकता है। बिकता है। जी तो किसी को अपने वो भी मतलब बेचने के हिसाब से भी लगाना है तो खेतों में जैसे जी जी हाँ लगा बिल्कुल, सकता है इसका ना? बगीचा भी लगता है और जी। ये किस चीज का है जैसे? ये मोगनी का एक पेड़ है, जो ये साउथ अफ्रीका से चली हुई है, हाँ। ये एक टिम्बर का पेड़ है हमारे किसान भाइयों के लिए। जी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप इसे अपने डोले पे या खेत में अंदर लगा लो, ये 15 से 20 साल के बाद रेडी हो जाता है तैयार बिकने के लिए। इसका फायदा है कि इसकी पत्ती अगर खेत में गिरेगी तो छेल नहीं करेगी, खाद बनेगी, ठीक है अच्छा जी। हाँ जी, अच्छा इसके खेल नहीं करेगी, और ये बिल्कुल सीधा ही प्लांट जाएगा, ये एक लकड़ी का प्लांट होता है। तो ये आप इसमें कितना भी पानी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी ना दो जब भी तो फर्क ये नहीं। जैसे ऊपर जाके ही फैलता है? जी जी ये बिल्कुल सीधा चलता है, ये सीधा लकड़ी में चलता है। कटता है, और अच्छा। 15 से 20 साल में इसका डाया करीब करीब 24 इंची का हो जाता है, और हाइट हो जाती है 80 प्लस, 80 प्लस, ठीक है जी। ओके। और तब इसका मार्केट रेट हो जाता है 30 से 40 हजार रुपए का पर पौधा। पर पौधा? जी अच्छा, ये पर पौधा 30 से 40 हजार रुपए तक का। कि भाई हाँ, किसान भाइयों को लगाने चाहिए, जिससे उन्हें वैसे बिजनेस में भी फायदा मिलेगा और एक बहाना हो जाएगा कि भाई पेड़ लगाया। देखो मैडम, ये तो अब किसान बात तो ये आ रही है कि पेड़ तो सभी को लगाना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक को देखो, उसके टेम्परेचर को देखो, कि जब पेड़ कम हो गया तो हमें सांस लेने में ऑक्सीजन बहुत दिक्कत हो रही है। पेड़ तो किसी भी चीज का हो लगाना चाहिए। अब बात आ जाती है बिजनेस के पर्पज से, तो जैसे हमारे पास थोड़ी लैंड पड़ी है, उसके लिए हम उसमें आम के पौधे लगा सकते हैं, उसमें मिक्स अमरूद के लगा सकते हैं, बाई फेंसिंग साइड में नींबू वगैरह कटहल वगैरह लगा सकते हैं, जिससे हमें एक अर्ली ईयरली इनकम स्टार्ट हो जाएगी, और हमारे वातावरण भी सुधरेगा क्योंकि हमारे पास पेड़ है। अब इधर आके देखो, ये जो वैरायटी है हमने अपनी खुद की जर्नेट की हुई है,
इस पर सभी पे फ्रूट आया हुआ है। ये देखो ये दशहरी के पौधे हैं। कौन से, ये वाले? जी जी, ये सब दशहरी है। जी जी, तो ये जैसे इनकी अभी लंबाई कम है, ये मैम होता है बिल्कुल छोटा पौधा ही देना शुरू कर देता है। ये देखो दशहरी कितना लंबा है, कितना बड़ा। ये हम अपना खुद का तैयार किया है। ये पेड़ पे पक जाता है? जी मैम, बिल्कुल पेड़ पे पक जाएगा अगर हम इसे तोड़ेंगे। बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से ही पकेगा। इतने कम हाइट में भी मतलब आम आने स्टार्ट हो जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल मैम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमारे पास आम की करीब 30 से 35 वैरायटी है, जिसमें कम से कम 9 से 10 वैरायटी खुद हमने यहाँ पे तैयार की। 30 से 35? जी जी, 9-10 वैरायटी जो हमारी कॉमर्शियल सी है, जैसे चौसा, लंगड़ा, दशहरी, हाँ। रामकेला, गुलाब जामुन, गुलाब हाँ। खास, ये वगैरह, ये हमने अपनी खुद की तैयार की। डिमांड सबसे ज्यादा किस आम के उसकी वैरायटी की आती है? सबसे ज्यादा डिमांड तो वैसे चौसा, लंगड़े की आती है। अब जैसे हाइब्रिड में ले लो, जापान का एक हाइब्रिड है, मियाजाकी मैंगो है, टेबैंगो बोलते हैं जिसको, उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा मांग है। पौधे की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है और फल की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। हाँ, इसीलिए वो हमारे क्लाइमेट में उसे तैयार करने के लिए अच्छे से अच्छा रिसर्च हो रहा है उसके ऊपर, बल्कि वो कुछ जगह पैदावार हो रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में एक स्टेट पड़ता है जबलपुर, जबलपुर में ये लग रहा है। अच्छा जी, और मार्केट रेट 1.5 से 2 लाख रुपए केजी तक का है उसका। तो हमारा जो एरिया है ये वेस्ट यूपी है जैसे, जी, जी, जी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब कौन सा पौधा आप मतलब लोगों को रिकमेंड करेंगे कि वो बोए और खेतों में लेके भी जा रहे हैं किसान, सबसे ज्यादा कौन सी वैरायटी लेके जा रहा है? मैडम हमारे यहाँ से तो अगर बात किसान हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हमें आगे ये कहता है कि आप ऐसी फसल मतलब पौधा लगाओ हमारे यहाँ पे ताकि हमें इनकम चालू, तो उसे हम अपना चेजेस देते हैं। जैसे कि हमने आम चौसा का लगाया, लंगड़े का लगाया, उसके बीच में हम डिस्टेंस पे जैसे 40 फुट में आम का पौधा रख दिया, 20 फुट पे उस पे हम अमरूद का पौधा ले लेते हैं, कि जैसे 10 साल में हमारा आम स्टार्ट हो रहा है तो 10 साल तक का हमारी खेती अमरूद की चलेगी, जिससे हमें उससे पर ईयर पैसा मिलता रहेगा। ठीक है जी, और बाकी किसान की वो चॉइस के ऊपर बात है कि किसान क्या मांग रहा है। बाकी हमारे पास फ्रूट की सभी वैरायटी है। एक मैंने देखा था जब मैं अंदर आई थी, आपके पास बहुत कम हाइट में बहुत सारे उनपे आम के आम लगे हुए हैं, मतलब जी, तो जी, वो हाइब्रिड होंगे शायद। जी जी, तो उनका फायदा है लगाने का? बिल्कुल मैम, उनका फायदा है, उनका हाई डेंसिटी में लगाने में फायदा है। जैसे हमारे छोटे किसान है भाई, किसी के पास हमारे पास 7-5 बीघे जमीन है, उसके लिए हाई डेंसिटी में लगाओ, जिसकी एज 30 से 35 साल है इस हाई डेंसिटी वाले पौधे की। अच्छा, ठीक है, 30-35 साल में वो ईयरली आपको पौधे पे फल देता रहेगा। अच्छा, तो उसमें जैसे ये हाइब्रिड वाला जो मैं बता रही हूँ आपको, इसमें कच्चे जैसे कोई अचार डालता है, ये सब चीजें होती है शाम से? नहीं, वो जो हाइब्रिड में आता है उसमें अभी तक का कोई आम ऐसा नहीं आया जो अचार के लिए होता है। अचार के लिए हाइब्रिड वाला तो होता है, ये कलरफुल होता है और खाने में टेस्टी। अच्छा, हाइब्रिड? अच्छा, देखो मैंने बस सुना ही था, देखे मैंने भी नहीं। मैडम मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये अमरपाली का पौधा हाइब्रिड में हमने पूसा के यहाँ से पिछले साल लिया था। अच्छा, जो कि बुक करके मिलता है, ये हमने खुद का अपना जमीन में लगा के मदर प्लांट डालने का हमारा वो है कि हम इससे कलम उतार के अपना प्लांट तैयार करें। अब ये देखो कि ये साल भर का पौधा और कितने लंबे लंबे हम इस पे आए हुए। हाँ, तो अच्छा, इनकी हाइट भी शायद ज्यादा नहीं, इनकी हाइट कोई ज्यादा नहीं होने की, 30-35 साल की लाइफ के ज्यादा ही है। अच्छा, हाइट ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 फुट। अच्छा, और चौड़ाई 6-7 फीट। अच्छा, और ये 35 साल बाद अपने आप खत्म हो जाएगा कि हर सीजन में ये आम देगा। अच्छा, ये पूसा वालों की वो है अमरपाली वैरायटी। हाँ, हाँ, और अब हम इसे खुद की अपनी जनरेट करके तैयार करेंगे। ये देखो किस क्षेत्र में इसमें सबसे ज्यादा आम आया हुआ है, दिखाना। ये देखो ये कितना आम, कहीं भी आप इस पे देखोगे सब जगह आम लगे हुए हैं। तो ये डायरेक्ट मतलब मीठा ही होता है? जी जी मतलब बिल्कुल, ये मैम हाँ, ये हमने जितने भी पौधे पे फल रोक दिए हैं जैसे ये कच्चे हैं। जी जी, है ना, अब इसको बस मीठा ही इसे पेड़ से मीठा हो जाएगा। जी हाँ, इसको यहीं पे हम डाल पे ही पकाएंगे और कस्टमर को देंगे। अच्छा, कस्टमर को हमें इसमें टेस्ट कराना है, टेस्ट कराने के बाद ही तभी हमारी मार्केट बन पाएगी। ठीक है ना जी। देखो एक ये दिखाना इधर कितने बड़े, ये दो, ये देखो वहाँ पे अंदर लेके जाना, कैमरा कितना खूबसूरत लग रहा है वो। ये देखो, तो ये जैसे वो नीचे जहाँ भी कैमरा है वो भी कलरफुल हो जाएगा। जी जी मैम, ये रेड कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। हाँ, ये सब वेरायटी बाहर की है। अच्छा, हमारे पास इनके कलरफुल अलग अलग हो जाएंगे। इसके आगे आ जाओ, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, वेरायटीज बहुत है हमारे पास, जैसे हमने खुद की अपनी तैयार की हुई है, थोड़ा देख के देखो भाई, आपको मैं अच्छी चीज दिखाने के लिए कहाँ कहाँ से गुजर रही हूँ, देख लो आप लोग अब। ये देखो, ये जैसे मैम चल रहा है क्या? हाँ हाँ। ये जैसे हमारे चौसा के प्लांट है, ये खुद के जनरेट किए हुए हैं। देखो चौसा के आम भी आए हुए हैं, ये देखो सभी पे। अब की बार एक वैरायटी मेरे पास बहुत लेट है। कैसा आम होता है ये चौसा? खाने में बहुत टेस्टी होता है जी, और ये लेट वैरायटी है थोड़ा। अच्छा जी, लेट आता है, लेट वैरायटी है।
इससे भी लेट वैरायटी, मतलब डाल पे पकता है? नहीं, ये डाल पे अगर पकेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ये ज्यादातर 99% पाल में ही पकता, पाल में पकता है, क्योंकि टपका लगने के बाद ये पौधा रोक नहीं पाता अपने आप। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इससे भी एक लेट वैरायटी है, मलिका। मलिका जी जी, देखो आम में ना लड़की, ये देखो ये आम एक लेट वैरायटी है मलिका। मलिका ये भी पूसा वालों की वैरायटी है, ये देखो। और इसका वेट जो हो जाता है करीब 800 से 900 ग्राम का एक फल का, एक का। अब में पत्ता चलने की वजह से, एक दूसरे पर लगने की वजह से, इसका नाम आपने बताया मलिका। मलिका ये वैरायटी सबसे लेट वैरायटी है। अच्छा। और मार्केट रेट इसका, जब आम मार्केट में नहीं रहता तो इसका मार्केट रेट कम से कम 200 रुपए केजी तक। तो ये मार्केट में बिकता है ये? जी बिल्कुल मैम, आप इसका टेस्ट अगर हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से 100 मीटर इसकी खुशबू ले सकते। अच्छा, इतना पकने के बाद इतना वो टेस्ट। कुछ पौधे और दिखाना चाहता हूँ जो हमने अपने यहीं पे, जैसे दशहरी है वो भी तैयार की हुई है। छोटे छोटे पौधों पे ही कितनी बड़ी बड़ी दशहरी है। बढ़िया, हमारे यहाँ क्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं मिलेगी। मुझे भी मतलब क्वालिटी हमारे यहाँ एक नंबर की मिलेगी आपको, किसी भी टाइम आप आ सकते हो और पौधा ले जा सकते हो, क्योंकि जैसे अब पीक टाइम चल गया बरसात का तो उस टाइम हमारे पास बिल्कुल रेडी है आम। कहीं भी आ जाओ, कहीं भी देख लो, इतना फ्रूट लगा हुआ है, इतना फ्रूट लगा हुआ है बहुत ज्यादा। आम के पौधे किस सीजन में लगते हैं? ये मैम से, हाँ, अब जैसे बरसात स्टार्ट हो गई है, ज्यादातर क्या होता है कि पूरे साल के 4 महीने फल का पौधा नहीं लगाना चाहिए, जैसे मई जून हो गया और दिसंबर जनवरी हो गया, इनमें फ्रूट्स के पौधे नहीं लगाना। हाँ, इनमें कुछ पौधे इनके मतलब जो अकॉर्डिंग होते हैं टेम्परेचर के, सर्दी के हिसाब से, सर्दी में जैसे आड़ू फूलम ये वगैरह हो गया, नाशपत्ती हो गया, ये लगेंगे, पॉपुलर वगैरह लगेंगे, तो फ्रूट का पौधा नहीं लगेगा। चलो आम की तो बहुत ही ज्यादा वैरायटी है, और मैं आपको इसी वजह से दिखाने आई हूँ। मैं बाहर कितनी बार गुजरती थी, कांदला में नर्सरी पड़ती है, ये एड्रेस क्या पड़ता है वैसे आपका? ये मैडम एड्रेस पड़ेगा जिला शामली, यूपी के अंदर, वेस्ट यूपी के अंदर, जिला शामली और कस्बा कांदला। कस्बा कांदला के मेन अड्डे से दिल्ली रोड पे आप जैसे ही चलोगे तो 1.5 किलोमीटर पंत नर्सरी का बोर्ड आपको लगा हुआ मिलेगा। वैसे तो मैं आप लोगों से इनका नंबर भी शेयर कर दूंगी, और मैंने जब हम कई बार यहाँ से गुजरते थे हम लोग, क्योंकि वीडियो शूट गाँव गुआंड के करते रहते हैं, तो यहाँ पे मैंने बहुत बार देखा, तो आज मैंने सोचा कि चलो देखते हैं अंदर ना। मतलब आपके यहाँ आम की बहुत ज्यादा वैरायटी होने की वजह से दूर से ऐसे लगता है कि आम का बगीचा टाइप है, बट ये बहुत खूबसूरत नर्सरी है अंदर से, और वैरायटी भी इनके पास बहुत ज्यादा है। और मेन लीची यहाँ पे हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। लीची की हमारे पास 4 वैरायटी है, रोज सेंट्रा है, बीदाना है, कलकतिया है और शाही है। तो ये 4 वैरायटी हमारे क्लाइमेट में हो रही है और तैयार है। तो वो भी और मन से जो भी बाग लगवाना चाहता हो, चाहे 10 पौधे लगवाओ, जाके लगवा देते हो मतलब? जी मैम, पूरा टेंडर लेते हैं लाने से लगवाने तक का, और उनकी हम साल भर की रिप्लेस ले लेते हैं। अच्छा, चाहिए कि वो पहले एक बार नर्सरी पाए और विजिट करे। विजिट करने के बाद में वो अपना पौधा सेलेक्ट करे कि साइट में उसको पौधा चाहिए, क्योंकि हमारे पास किसी भी पौधे का फिक्स प्राइस नहीं है। अच्छा, सभी के छोटे और बड़े के हिसाब से प्राइस है। तो आम के जो इनको बाग लगाने हो उनका भी आप टेंडर ले लेते? जी बिल्कुल मैम, और उनको साल भर हम विजिट देते हैं अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री। उसमें इसमें आम अमरूद फल का कोई भी टेंडर, कोई भी हो, जी फ्रूट करवाने का पूरा ले लिया आपने, जैसे कि भाई मुझे बाग लगवाने, आपने टेंडर ले लिया, तो उसकी कितनी वो देते हो आप लाइफ की, भाई ये बाग जैसे एक सीजन की देते हो या कैसे देते हो मतलब? नहीं मैम, वो तो अगर टेंडर मान लो सूखने की तो है 1 साल की हमारी गारंटी। 1 साल में अगर आपका 10 बार पौधा सूख गया तो 10 बार हम चेंज कराएंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद विजिट तो आप हमसे चाहे पूरे जीवन जब तक का हमारी सांस है तब तक का ले सकते हो, उससे हमें कोई नहीं, क्योंकि सब किसान होता है। 1 साल की है जी पौधे की गारंटी और वैरायटी की गारंटी, वैरायटी के है ना? जी जी जी। तो पहले तो लोगों को ये जानकारी होती थी कि भाई पहाड़ी जो एरिया होता है जैसे देहरादून में कहीं भी लीची वही होती है, पर ये कह रहे हैं कि प्लेन में भी हो जाती है। नहीं मैम देखो, ये कुछ टेम्परेचर का भी हिसाब होता है कि मानते हैं कि ठंडे एरिया में लीची होती, लीची है, होती है, पर हमारे हॉट क्लाइमेट में भी पिछले कम से कम भी 50 साल से लीची लगातार हो रही है। तो इसके अलग तरीके से देखभाल होती है या पौधे की नस्ल? नहीं बिल्कुल, पौधे की नस्ल तो वही शाही या कलकतिया या चाइना या रोज सेंट्रा यही चलती है, बीदाना वगैरह ये सारी हमारे क्लाइमेट में तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। बात है केयर टेकिंग की। केयर टेकिंग क्या है कि आप समय पर पानी नहीं दोगे, खाद पानी नहीं दोगे तो पौधा सूखेगा ही सूखेगा, ठीक है जी। ये पौधा मैंने, ये देखो ये पिछले साल पौधा मैंने यहाँ पे दम किया था, ठीक है जी। कुछ पौधे साख इसकी जैसे ये डंडी में दिखा रहा हूँ ये सूख गई है, पर ये प्लांट अब रेडी है, अगले साल हम इसे मार्केट में उतार देंगे कि पूरा गोबा हो जाएगा भर के। अब के साथ इसमें फ्रूटिंग जी मैम बिल्कुल लग जाएगा, ये बिल्कुल मैम लगेगा, जब हमने इसे लगा रखा है तो इसकी सूखने की भी सब चीज की गारंटी हमारी है। अब के इस साल पे इस पर बहुत सारा फल आया हुआ था लीची का, जिसकी वीडियो कुछ मेरे पास पड़ी है लीची की, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना जी। लीची की कोई दिक्कत नहीं है, जो किसान भाई ये सोचता है कि लीची का पेड़ नहीं होता वो हमसे आके मिलो,
उनका पेड़ हम तैयार करके दे। जी जी बिल्कुल। चलो देखो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, मेरे पास ये खुद का एक मतलब और लीची का ये पौधा मेरे पास करीब 6-7 फीट की हाइट का प्लांट मेरे पास है, सबसे बड़ा प्लांट इस कांदले के अंदर मैं बेच रहा हूँ लीची का। अच्छा अच्छा जी, तो काफी है इनके पास, दिखाना देखो कितने सारे लीची के पेड़ जी। देखो ये तो ये होता है कि आता रहता है जाता रहता है, ये देखो ये निशानी जो गड्ढे की मार्किंग हुई है ये खुद के जाते रहते अच्छा, हैं खुद के जाते। हाँ जी। अच्छा इनको इतना बड़ा भी लगा सकते हैं मतलब बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल लगा सकते हैं। इनकी वो आती होगी? नहीं नहीं छोटी पौध नहीं आती है इनकी, बड़ी पौध भी आती है, खुद अपनी भी तैयार की जाती है। ठीक है ना जी। अपने आपको एक मनमोहनिका आम का पेड़ दिखाते हैं जो हाइब्रिड वेराइटी है और ये कलकत्ता से आती है। इस पे ये देखो कि छोटे से पौधे पे कितना फ्रूट, जबकि हमने इसका आधे से ज्यादा फूल तोड़ दिया था। ये बाई चांस हमारे यहाँ रह गया तो मैं दिखाता हूँ कि एक गुच्छे में लगता है और कम से कम 2 से 2.5 किलो तक का गुच्छा हो जाता है। ये देखो इसका फ्रूट देखो, ये देखो ये गुच्छे में ही होते, ये गुच्छे में ही होता है। आप इसका अचार भी टेस्ट करा सकते हो और खाने में बहुत ज्यादा मतलब इसका अचार भी डल जाता जी बिल्कुल। नाम क्या बताया आपने इसका? मनमोहनी। मनमोहनी जी जी। और ये गुच्छे में ही आता है, कम से कम 2-2.5 किलो का ये गुच्छा डाल पे पक जाता है। बिल्कुल डाल पे पक जाता है। मार्केट में भी मार्केट में अच्छी रेंज है इसकी। देखो इसको तो फिर मतलब अपने छोटी और सबसे मेन बात है लेट वेराइटी है, ये लेट वेराइटी है, बहुत लेट वेराइटी है ये। हमारे यहाँ रामकेला चौसे से बाद में चलती। अच्छा अच्छा देखो कितना तो सुंदर नाम है, इतने सुंदर फूल रखे हुए। इसके पौधे के हमने मतलब जितना फूल था वो सब उतार दिया, सिर्फ एक साग तो नीचे रह गया था, वो हमने इस वजह से छोड़ दिया कि खराब हो जाएगा। अच्छा। पर वो खराब नहीं हुआ, उसका ये फल बन गया। इसमें गुच्छे में कम से कम भी 4 और 4, 8 और 2, 10, 12 आम लगे हुए। 12 आम एक ही उसके एक ही गुच्छे में। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि सारा आम एक सार का है, कुछ छोटा भी है बड़ा भी है, पर सारा गुच्छे में आया हुआ। वाह अच्छा लगा, ये तो देख के बहुत ही बढ़िया रखा है कि गुच्छे में इतने सारा नाम भी। अब दिखाऊंगी मैं आपको इनके पास जो सेब के पौधे हैं, तो ये है सेब के पौधे, तो ये इतने ये भी बड़े बड़े लग जाते हैं जी। मैडम ये हमारे पास 3 वैरायटी है, ये मेरे हाथ में हरमन है। अच्छा। ये डेरसेट गोल्डन है और ये अन्ना है। तो इनपे सेब भी अलग तरीके जी, ये हॉट क्लाइमेट के है, इनके तीनों के सेब के कलर अलग अलग है, कलर अलग है। ये जो है कि अन्ना जो सॉरी हरमन हमारे यहाँ पे होता है, ये कलर तो इसका आ जाता है पर इसमें जो कश्मीर वाला रुआ होता है वो नहीं आ पाता है। हाँ ये रसीला होता है, ये जितने भी पौधे हमारे यहाँ रसीले हुएंगे से भर पाएगा। तो ये हॉट क्लाइमेट भी है, हरा जो होता है जी जी हरा है ये वाला, हरा वाला हरा सेब भी बड़ा अच्छा लगता है, खट्टा मीठा होता है। हाँ जी ये खट्टा मीठा सेब होता है और मई जून के महीने में ये तीनों वेरायटी तैयार हो जाती है। सेब का पौधा कब लगाना होता है? सेब का पौधा अगर पीक टाइम तो देखा जाए तो दिसंबर से लगाए। दिसंबर से? हाँ जैसे हमने बगीचा दिसंबर में लगा दिया, हमने 100 पौधे लगाए, कोई पौधा बाई चांस मर जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो उसके एवरेज में हम जैसे पोलोथीन में ही डाल दिया तो उसको यहाँ से उखाड़ के वहाँ लगाया जा सकता है, ये पोलोथीन में उसकी पूर्ति कर दी जाती है, इसलिए हम इसको स्टॉक में रखते हैं। चलो बाकी इसका सही समय तो दिसंबर और जनवरी है। मैंने आपको देखो सेब दिखाया, लीची दिखाया और भी फ्रूट्स, और इनके पास 35 तरीके के आम की वैरायटी है। तो जिस भाई किसान को या घर में किसी को भी किसान भाई जिनको भी चाहिए हो बाग वगैरह लगाना है, टेंडर ये लेते हैं, 1 साल की गारंटी वारंटी लेते हैं, पेड़ सूखेगा खराब होगा इनकी जिम्मेदारी है। और अगर आपको घर में लगाना है 1-2 आप खुद आके यहाँ से डिलीवरी ले सकते हैं। और इनसे बाकी किसी की भी कोई भी इंक्वायरी रहेगी तो नंबर है मैंने आपको दिए हुए, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको पूरी डिटेल बता देंगे और विजिट करो, आपका एड्रेस मैंने इनको बता ही दिया है। चलो भाई आज देखो मैंने आपको जैसे बताया था नर्सरी, वैसे भी भाई पौधे लगाओ और इतना बुरा हाल हो रखा है, इतनी मतलब पौधे खत्म होते जा रहे हैं। अगर सरकार काट रही है तो हमारा फर्ज है कि भाई चलो हम लगा देते हैं, क्योंकि उसको तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि लोगों को चाहिए कि डेवलप भी हो, लेकिन पेड़ कट जाता है, प्रकृति को हम लोग इतने मतलब हल्के में ले रहे हैं ना, बहुत ज्यादा मतलब गलत कर रहे हैं। पहले तो जंगलों में कितने आने वाले समय में अगर हम इसी चीज को फॉलो करते रहे कि पेड़ काटते रहे, तो आने वाले समय में जो हमारी जनरेशन है वो खुल के सांस भी नहीं ले पाएगी। नहीं ये भी बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे इनके पास 35 तरीके की वैरायटी मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। बाहर से भी इस नर्सरी को देख के पूछा की मेरे पास कम से कम भी सारी वैरायटियां मिल जाएगी। अच्छा जी, तो आप भाई किसी को भी कांटेक्ट करना है, कोई भी फल के पेड़ चाहिए होंगे तो इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, और मेरा नाम लेके अगर आप आओगे तो जरूर याद भी देंगे आपको और कुछ अच्छा ऑफर भी करेंगे। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे भाई, नर्सरी के ओनर, मिलते हैं कहीं और किसी और दिन, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।